गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ किंजल और मेरी चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं ZK की बॉलीवुड डिजाइनर साड़ी का रिव्यू करने वाली हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और इसके पहले भी बहुत सारे हॉल्स किए, नए हैं तो मेरी चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हो ZK के। और भी करती हूँ, हर टाइप के करती हूँ मैं। इसके वीडियो के लिंक और बाइंग लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके भी चेकआउट कर सकते हो। और अब हमारे हॉल को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए, चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करके उसके बाद में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाए, बिल्कुल भी मिस ना करवाएं। अब साड़ी को स्टार्ट करते हैं। एज ऑलवेज पल्लू से ही मैं स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि साड़ी जो होती है उसका पल्लू जो होता है वो सबसे ब्यूटीफुल होता है। तो मैं वही, ये जो है डिजाइनर साड़ी है, सेलिब्रिटी साड़ी है, बॉलीवुड सेलिब्रिटी साड़ी है। इसका जो पल्लू है इस तरह का है, ये ब्लैक कलर की पार्टी वेयर साड़ी है। अमेजिंग, आप देखो इसकी बॉर्डर एम्ब्रॉयडरी वर्क है, सिक्वेंस वर्क है, टिक्की वर्क जो बोलते हैं वो सिक्वेंस वाला वर्क है, ऐसी कट बॉर्डर है। और ये इसका पल्लू है, ऊपर से नीचे तक दिखाती हूँ आपको इस तरह। ये पूरा उसका वर्क है और एम्ब्रॉयडरी है, और ये ऑल ओवर ऐसी स्ट्रिप वाली है। गाइस, आपने दिखा होगा पिक में, तो मैं पिक भी दिखाती हूँ साइड में। ऑल ओवर ऐसी है, और इसका फैब्रिक जो है वो जॉर्जेट है, वो जॉर्जेट भी अच्छी वाले जॉर्जेट है, चीप क्वालिटी वाला नहीं है। ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आई है, ये पार्टी वेयर है और ब्लैक कलर की है, तो पहनने के बाद बहुत अच्छी लगती है। ऑल ओवर ऐसा ही है, स्ट्रिप वाली साड़ी पहनने से एक्चुअली में हम पतले भी दिखते हैं। और ये डिजाइनर टाइप की है, पल्लू नहीं है इसमें, अलग पल्लू नहीं है, ऑल ओवर सेम है ये साड़ी, लेकिन बहुत प्यारी लगती है पहनने के बाद। नीचे आप जब नीचे प्लेट्स करोगे तो प्लेट्स में भी ऐसी ही बॉर्डर आएगी, सेम टू सेम इस टाइप की ही बॉर्डर आएगी। और जॉर्जेट है गाइस, तो सेमी ट्रांसपेरेंट तो होगा ही, जॉर्जेट ले लो, सिफॉन ले लो, नेट ले लो, वो सारे जो फैब्रिक में अगर साड़ी या कुछ और क्लोथ होते हैं तो वो तो सेमी ट्रांसपेरेंट होते ही है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह का है पूरा ऑल ओवर। अब आते हैं हम उसके ब्लाउज पीस के साइड। उसका जो ब्लाउज पीस है वो कॉन्ट्रास्ट में है, कॉन्ट्रास्ट कलर में है। इसका जो कलर है वो आप देखो इस तरह का है, पीची टाइप का है, थोड़ा पिंक पीच शेड में जाता है, बेज कलर में भी जाता है, बेज कलर या पीच कलर बोल सकते हैं, थोड़ा मुझे खुद को कंफ्यूजन है एक्चुअली में। मैं आपको दिखा दूँ इसका जो नेक है वगैरह, क्योंकि ये अटैच है ब्लाउज पीस, आप देखोगे तो इस तरह का है। ये जो है वो, हाँ ये जो है वो आपको फ्रंट साइड में मिलेगा इस तरह का वर्क, एम्ब्रॉयडरी वर्क, आप देखो। और ऐसा ही सेम टू सेम बैक साइड में भी मिलेगा और स्लीव में भी आएगा गाइस। ये पूरा ब्लाउज पीस ऑल ओवर वर्क वाला है और एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है पूरे ब्लाउज पीस में ऊपर से नीचे तक, तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसी पैटर्न बनवानी हो वैसी बनवा सकते हो। पूरा हैवी रखना है तो भी रख सकते हो, अदरवाइज ओनली स्लीव में भी आप करवा सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग करवा सकते हो। इस टाइप का है और ऑल ओवर भरा हुआ है ब्लाउज इसका। साड़ी मुझे बहुत पसंद आई है, बहुत पसंद आई है। मैं अब आपको ट्राई ऑन करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले। और अगर आप ब्लाउज नहीं करवाते ना गाइस, तो जो ऑलरेडी रेडीमेड मार्केट में जो मिलते हैं गोल्डन कलर के या सिल्वर कलर के, ऐसा एक आप बाई कर लेते हो ना, तो आपका ये वो वाला ब्लाउज है वो सब में जाता है, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। अगर आपको स्टिच नहीं करवाना है तो ऐसा एक ब्लाउज आप ले सकते हो जो सब में जाता है। अगर अब मैं ट्राई ऑन दिखा देती हूँ।
लिए आपको कैसी लगी ये ब्लैक वाली जो थी, ये पार्टी वेयर साड़ी जो थी, वो मुझे नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑल।